गुना जिले के चाचोड़ा थाना क्षेत्र हमेशा से नशे का गढ़ रहा है। इस क्षेत्र में राजस्थान की ओर से नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। अभी विगत कुछ दिनों से चाचोड़ा क्षेत्र में राजस्थान की ओर से नशीले पदार्थों की तस्करी होने की जानकारी मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लेकर चाचोड़ा थाना प्रभारी एवं बीनागंज चौकी प्रभारी को राजस्थान तरफ से जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। चाचोड़ा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा स्मैक तस्करी करने की जानकारी मिलने पर चाचोड़ा थाना पुलिस द्वारा स्मोक तस्करी पर कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र के चार अलग अलग स्थानों में स्मैक के कुल 6 तस्करों को कुल 120 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर स्मैक तस्करी में उपयोग की जा रही 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आदर्श न्यूज के लिए रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। जिले में नशे के कारोबार के विरुद्ध ऑपरेशन शिकंजा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो स्मैक बेचने वाले हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। चाचोड़ा बीनागंज बेल्ट जो कि इसका गढ़ रहा है स्मैक इत्यादि का, वहां पर भी लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत अभी हाल ही में कार्रवाई हुई है, जिसमें बीनागंज चौकी में 50 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जो कि रामहित मीना एवं अन्य से 50 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा चाचोड़ा थाने के अंतर्गत 3 स्मैक के प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें कि दीवान सिंह मीना से 50 ग्राम स्मैक इससे भी मिली है और इसके अन्य साथी इसमें आरोपी हैं। इसके अलावा चाचोड़ा में ही मोहन मीना से 10 ग्राम और अरबाज खान से 10 ग्राम, इस प्रकार से कुल 120 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है बीनागंज और चाचोड़ा मिला के। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।